एक सांड ने निजामपुर गांव में दहशत का माहौल बना रखा है। आपको बता दें कि इस सांड ने 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसके अलावा कई लोगों को घायल भी कर चुका है। इसके लिए कई बार विभिन्न स्थानों पर इसकी सूचना भी दी गई, लेकिन किसी ने भी इस समस्या के समाधान के लिए कुछ नहीं किया, जिससे पूरे गाँव में दहशत का माहौल है। और ये सांड जो है बराबर इस कवर पे 4 दिन से कंटिन्यू इसको जो है यहीं पे दावत दे रहा है और पूरा गांव इसको भगा रहा है, लेकिन ये सांड भाग नहीं रहा है। कई लोगों को ये मार चुका है, कई लोगों के 2 लोगों की तो जान चली गई है। हमारे फूफा, सगे फूफा की मृत्यु 3 दिन पहले हो गई है। ये कबर में जो है, और ये 3 दिन से कबर पे ही हमला बोले जा रहा है। इसने पूरे गांव ने जो है पूरे गांव को है सता रखा है। पूरे गांव के कई लोगों के तो हाथ तोड़ दिए हैं। राजा राम यही मेरे पास में खड़े हैं। ये राजा, ये सांड बहुत परेशान किए हुए हैं। भाई आपसे निवेदन है, शासन से भी निवेदन है कि इस सांड को अति आवश्यक जल्दी से जल्दी पकड़ लिया जाए। बहुत ही मेरे गांव में मतलब गमगीन माहौल है। इसको अमन चैन की ज़िंदगी दे दी जाए। इस सांड ने बहुत परेशान कर रखा है पूरे गांव को। अमन चैन चाहता हूं, देश हमारा अमन चैन है, इसलिए मैं अमन चैन की ज़िंदगी जीना चाहता हूं। मेरा देश के साथ साथ में हमारे इस सांड के लिए भी व्यवस्था करना चाहिए। गाँव का लोग देखिए, पूरे मजमा है, पूरे मजमे से पूछ लिए कितने लोगों को परेशानी हुई है। ये पूरा गाँव परेशान है, इस दहशत से परेशान है। कई बार इस पर जो है एक्शन लिया गया, लेकिन कोई कर्मचारी इस पर तवज्जो नहीं देता है। भाई आप इसको जो है, आप हमारी बात को ऊपर तक पहुंचाइएगा, अधिकारी आप मदद भी करिएगा। मैं बहुत मतलब इस सांड से बहुत परेशान है। सांड को पकड़वा दीजिए, गांव इससे जो है जंगल में छोड़वा दिया जाए, चाहे गौशाला में छुड़वा दिया जाए, कहीं से कहीं भी इसको छुड़वा दिया जाए। जंगल, गौशाला, कहीं भी जो इसको है ले जा करके दूसरे जगह पे, ऐसी सुरक्षित जगह पे जाए कि लोगों को इससे हानि ना पहुंचे। भाई ये सांड बहुत परेशान कर रहा है। जान का जो है सुरक्षा हो जाए, जान की सुरक्षा हो जाए। आदमी हो उससे पुलिस प्रशासन से मिल लिया जाए, लेकिन ये जानवर है, इससे कैसे भिड़ा जाएगा? इससे कोई भिड़ने का कोई तरीका नहीं। जी बताइए, हमारे में 4 मौतें हो चुकी है गांव में। नाम बताओ उनका। नाम बताइए। नेवाराम, अशरफ अली, शेला, सुंदर, कोई थोड़ी सांस आए इस सांड के कारण मृत्यु हुई है। और मेरी भी मौत होने से बच गई है। हाथ देना टूटा हुआ है, मैंने जुड़ा नहीं पाया था, गुल्ला टूट गया, गाड़ी भी टूटी है, पसली भी टूटी है। इनका नाम भी ले लीजिए, राजा राम है उनके, इनका भी बाइक, इनके पिता के भी हाथ टूटे हुए हैं, मतलब चारों तरफ से बांस मकान के लगा पे भी हमला किया है इसने। अरे उनके तो यहाँ 7-12 टांके पड़े, 4 साल हो गया, अभी बांस बंधे हुए हैं उनके घर में। मतलब गिरा तो हमें भी था, मतलब एक बार हमें भी चपेट में ले लिया था, बाकी हमारा तो कुछ मतलब बंधे हुए। क्या नाम है आपका? जी मनोज कुमार। आपके पिता का नाम जो घायल है?